एक अन्य मार्ग में महागठबंधन की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बाहर देखिए किस तरीके से जो समर्थक है, जो फैंस है, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। ये मेरे सामने जो देख रहे हैं तिरंगा लहराते हुए पंडित दिनेश शर्मा हैं, जो हरियाणा से आए हुए हैं और कई खास बातें हैं इनके साथ जुड़ी हुई है। हरियाणा से इस बैठक में राहुल गांधी को देखने के लिए आए हुए हैं और देखिए कि किस तरीके से इनके जो कुर्ते हैं वो अपने आप को राहुल गांधी का सबसे बड़ा समर्थक मानते हैं और यहाँ पर ये नंगे पैर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर दिनेश शर्मा है। आप हरियाणा से हैं? मैं हरियाणा से हूं सर। आपने चप्पल नहीं पहनी है क्या? इसमें गर्मी इतनी ज़्यादा है। जब तक आप कुछ कठिनाइयों को महसूस नहीं करोगे तब तक आप उसका ये नहीं समझ पाओगे इसमें कितना कष्ट था, इसमें कितना मिठास था। और हमने बेड़ा उठाया था 12 साल पहले कि हम हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनवाने में एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे हम राहुल जी के साथ पूरा हिंदुस्तान भ्रमण करेंगे जहां भी राहुल जी जाएंगे। और वो यात्रा 12 साल से चलती आ रही है, बिना चप्पल के साथ चलती आ रही है। इस झंडे को लेके हम पूरा देश पटना में आज सुबह की फ्लाइट से आया था जी। और उसका फिर कहाँ जाना है? उसके बाद देखते हैं, राहुल जी का जहाँ का दौरा होगा हम चल पड़ेंगे। हमारा तो काम है, राहुल जी का सेवा में लगे हुए हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं। राहुल जी को किस तरीके से हम प्रधानमंत्री बनवाने, अपनी छोटा सा भी अगर योगदान दे सके उसको देने लगे हुए हैं। तो अभी क्या मोदी जी से, क्या मोदी जी हैं किसानों के लिए कर रहे हैं, आपको क्यों किसान आंदोलन कर रहे हैं? मैं आपसे किसानों का जिक्र आपने किया, मैं हरियाणा से आता हूँ और देश के दिल्ली के उस बॉर्डर पर देश का किसान 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त वहाँ बैठा रहा अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और जो काले कानून मोदी लेके आया था, मोदी जी को यही कहा कि हे देश के प्रधानमंत्री, हे तानाशाह, इस कानून को आप वापस ले लीजिए, हम भी अपने घर जाते हैं और खेती को संभालते, देश का पेट भरने अपना काम करते। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते थे उस दौर में कि ये किसान नहीं, ये तो खालिस्तानी है, खालिस्तानी। एक बात आपने बोला क्या, एक खालिस्तानी है। आप ही के पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री सामने आते हैं, क्यों आते हैं? उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हे मेरे भाइयों, किसान भाइयों, मेरे से गलती हो गई, मैं काले कानून को वापस लेता हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा करता हूँ, अगर ये खालिस्तानी थे, अगर ये किसान नहीं थे तो आपने हाथ जोड़ के माफी क्यों मांगी? मैं तो कहता हूँ इस पर FIR होनी चाहिए, खालिस्तानियों के सामने हाथ जोड़ता है। सभी पार्टियों के नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं, महागठबंधन में कुछ बेहतर नतीजा निकलेगा? ये आज जो मंथन चल रहा है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, जो इस वक्त देश में एक सोच लागू की जा रही है तानाशाह की, उसको कमजोर करने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, और देश को आगे बढ़ाने की जो सोच है, युवाओं की जो सोच है, उसको हम कैसे लागू के, उसी लिए मंथन चल रहा है। कौन उसको ला सकता है? हमारी नज़र में ऐसा लगता है कि इस मंथन में जो अमृत निकलेगा बड़ा लाजवाब होगा। शाम का इंतजार कीजिए, जो हमारी उम्मीद है कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बन के देश का नेतृत्व, शायद वो आज फैसला हो जाएगा। कि ये थे पंडित दिनेश शर्मा जो हरियाणा से यहाँ चल के आए हुए हैं, आज सुबह के फ्लाइट से आए थे और जहाँ जहाँ इनका जो संकल्प है कि जहाँ जहाँ राहुल गांधी देश में जाते हैं वहाँ वहाँ ये जाएंगे और नंगे पैर जाएंगे। और आज भी ये यहाँ तप्ती दुपड़िया में नंगे पैर यहाँ पर मौजूद है। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ऊझा, पटना न्यूज़ 24।